कहाँ गई मेरी बेटी? बिटिया? तुम्हें इंशाअल्लाह पता
हासिल होगी। बेशक बेशक अल्लाह ताला सलाह करने वालों के साथ है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. बेशक 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 अल्लाह ताला की ज़ात तुम्हारी मदद करेगी और इस तुम इस डर को मिस्त और नाबूद करने में कामयाब व कामरान होगे। कदम बढ़ाओ नौजवान। काफ़ी खतरनाक है और अगर हम मोटरसाइकिल लेके गए ना यहाँ से तो जादूगर को पता चल जाएगा कि कोई आ रहा है। यहाँ से हम पैदल चलेंगे। चलने की आवाज़ आ रही है। कौन है? वालेकुम अस्सलाम। मुझे सतीश साहब ने भेजा है। आप फौजी हैं? जी जी मैं फौजी हूँ। सतीश साहब ने मुझे कहा था कि वहाँ एक फौजी मिलेगा। तो आपको किस काम में गया? उसी काम के लिए जिस काम के लिए आप इधर आए। मैं आपसे एक मसला दूँ कि आप जिस काम के लिए आए हैं ना और वापस चले जाएँ। नहीं तो आप तो यही मशवरा है कि आप वापस चले जाएँ। वो काम बहुत मुश्किल है, उसमें आपको जान भी जा सकती है। मुझे जान की कोई परवाह नहीं। जानते हो इसमें मेरे भाई, उसकी बीवी, बच्चे सब ख़त्म कर दिए। जब तक मैं उसको मार नहीं दूंगा मैं यहाँ से नहीं जाऊंगा। जब तक मैं उसको मार ना दूँ। अच्छा आप रिलैक्स हों, बिजी होकर बैठे और मुझे बताए कि क्या हुआ क्या है। तफसील से बताए। मेरा छोटा भाई और उसकी फैमिली जादूगर ने सब कुछ खत्म कर दिया। मैं जब तक उसको मार नहीं दूंगा मैं सुकून से नहीं बैठूंगा। सदीकी साहब की मैं बहुत इज्जत करता हूँ। उन्होंने आपको भेजा है तो मैं आपको अपने साथ साथ भेजता हूँ, लेकिन बड़ा एहतियात और बड़ी एहतियात करनी पड़ेगी, क्योंकि वो चीज़ जो है वो पहले डराती है, फिर भगाती है और फिर हमला करती है और मार देती है। आपने भागना ज़रूर है लेकिन अपने बचाव के लिए, लेकिन डरना नहीं है उससे। फिर जब आप डर जाओगे तो वो आपको मार देगी। सिद्दीकी साहब ने भी ऐसे ही कहा, डर तो मेरे अंदर सिर्फ खुदा का है, इसके अलावा मैं किसी से नहीं डरता। बस इसी बात को आपने अपने जहन में रखना है तो इंशाल्लाह हम कर देंगे। इंशाल्लाह। आपके यहाँ क्या हादसा पेश आ गया जो आप इसको ख़त्म करने के लिए यहाँ? मेरे साथ भी वही हादसा हुआ है जो आपके भाई के साथ। मैं आउट ऑफ सिटी गया हुआ था, ये कोई बात है आज से 3 महीने पहले। जब मैं वापस आया हूँ तो मेरा सब कुछ ख़त्म हो चुका था और मैं तब से हर एक काम छोड़ के मैं इसको जो है वो चाहूँगा। और अभी मुझे ये पता चला है वो इधर ही कहीं पे वो है और मैंने उसको छोड़ना नहीं। हम तीनों की मंजिल एक है लेकिन हमें तीनों के रास्ते जो है वो अलग अलग है, क्योंकि हमने तीनों में अलग अलग रास्तों पे जाके एक जगह पे उसको पकड़ना है। और वो क्या तरीक़ेकार है वो मैं आपको बताता हूँ। तो ये देखें,
की जगह है, ये वो एरिया जो हमने कवर करना है, इस सिम से आपने आना है और इस सिम से आपने आना है, और यहाँ से जो है वो मैं आऊँगा और इस जगह पे वो बंदा बैठा हुआ है, इस जगह पे हमने उसको काबू करना है। तीनों में ठीक हो गया। सिर्फ ग्रेनेड, ये ग्रेनेड है ठीक है, जहाँ पे आपको लगे को वो आपकी तरफ आ रहा है, आपने ये इसकी पिन निकाल के ये उसकी तरफ फेंक देना ठीक है। चंद सेकंड में ये ब्लास्ट हो जाएगा और वो इस सफ़र हस्ती से मिट जाएगा, लेकिन ये काम इतना आसान नहीं है जितना हम समझ रहे हैं। इस काम के लिए हमें बड़े ध्यान से करना होगा ये काम, क्योंकि वो जादूगर है और वो हम पे जादू भी कर सकता है। हिफाजत के लिए, एहतियात के लिए मैं आपको दे रहा हूँ, इसको आप ना पता कर सकते हैं। और ये एक आपके, ये वही जो मैंने इनको समझाया वैसे ही आपने करना है बड़े एहतियात के साथ ठीक है। ये आपके हाथ में भी पड़ सकता है, लेकिन जैसे इसकी पिन आप निकालेंगे उसको आपने उस तरफ फेंक देना। ये मेरी बात आप लोगों को समझ आ गई तो इंशाल्लाह हाथ मिलाओ हाथ, ये हम जो है वो इसको पूरा करेंगे। अब हम अपने मिशन का आगाज़ करेंगे, अल्लाह का नाम लेके, और इंशाल्लाह पता हमारी हो इंशाल्लाह, इंशाल्लाह। اے میرے پروردگار عالم، تیرے واسطہ ہے تیرے محبوب کا، آج ہمیں اس ڈر پہ قابو پانے کی طاقت عطا فرما، بے شک تیرے سے کوئی چیز پوشیدہ نہیں ہے۔ اے میرے مالک، اس ڈر نے کئی خاندان برباد کر دیے، اس ڈر نے کئی زندگیاں اجاڑ دیں۔ اے میرے اللہ، اے میرے اللہ طاقت عطا فرما، آج اس ڈر کے خلاف جنگ ہے اور اس جنگ میں کامیابی عطا فرما۔ Ha ha ha!
अल्लाह का जिक्र बेहतरीन जिक्र है। जब भी इन्नी मगलूफुन फन तासीर या अल्लाह मैं बेबस हो चुका हूँ, मेरी मदद फरमा, आमीन। सूरतुल नास, उलाज भी रब्बी नास, मालिकी नास, इलाही नास, इन शर्र रफ़ासिल का। किधर गई? क्या हुआ? मैंने वहाँ कुछ चीज़ देखी, वो खौफनाक चीज़ थी, मैं डर के भाग गया। वो मेरे पीछे भी आई थी, वो मैं भी उससे बच के निकला हूँ, लेकिन मसला ये है कि उससे डरना नहीं है। अपने आप को उससे बचाओ, लेकिन उससे डरना नहीं है, क्योंकि डर से वो आपके फ़ायदा उठाती है, और एक दफ़ा डर गए तो वो फिर आपको छोड़ेगी नहीं, क्योंकि पहले वो डराती है और उसके बाद फिर वो मार देती है। तो हमने अपने आप को बचाना है उससे। ठीक है सर, आप बेफिक्र हो जाइए।
ताकत दे मेरे अल्लाह। क्या हुआ? अकेले हम उसको काबू नहीं कर सकते।
मैंने बड़ी कोशिश की इसको काबू करने के लिए, कि वो ऐसा जादू करता है कि हम बेबस हो जाते हैं। कुछ करना पड़ेगा हमें। इसका यही हाल है कि आप जो है उसको सामने से टैकल करें और मैं उससे पीछे से आता हूँ। ये ठीक काबू है, जबरदस्त। ठीक है, ऐसे करते हैं। चले आगे। वो बैठा हुआ है और इसका ये है कि आप इधर से जाएं और मैं इधर से पीछे से उसके आता हूँ। तो इधर था, कहाँ गया ये, कहाँ कहाँ, क्यों नजर नहीं आ रहा मुझे, कहाँ गया ये। मैं नहीं छोड़ूंगा।